नमस्कार सभी साथियों को। अमूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अमूल एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि दूध बेचती है और दूध पशुओं से ही आता है। तो अमूल कंपनी ने पशुओं के लिए बहुत सारे पशु आहार हैं वो निकाल रखे हैं। कौन से आहार कौन से पशु में काम आएंगे इन सब की जानकारी हम लेंगे। कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हम उनसे मिलते हैं और इनके सभी जो कैटल फीड है उनकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक बार अपना नाम बता दो और कंपनी के बारे में बता दो। मेरा नाम डॉक्टर मौलिक कामले है। मैं अमूल डेयरी में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं और पिछले 9 साल से कैटल फीड के साथ जुड़ा हुआ हूं। अमूल डेयरी आज कैटल फीड में एक अलग सा एक अपना पहचान लेके खड़ी हुई है। इसका एक मेन मोटिव रीजन ये है कि जब अमूल डेयरी अपना कैटल फीड लॉन्च किया था 1964 31 अक्टूबर को, तब अमूल डेयरी ने शुरुआत में CFF कंजरी कैटल फीड फैक्ट्री है वहाँ पे एक प्रोडक्शन चालू किया था, जहाँ पे BIS टाइप 2 का प्रोडक्शन कर रही थी। उस दौरान अमूल डेयरी ने अलग अलग टाइप का फीड बनाना तो 2000 के साल में चालू किया, लेकिन जैसे जैसे फार्मर की अवेबिलिटी बढ़ने लगी, फार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, अमूल डेयरी ने एक और प्लांट 31 अक्टूबर 2015 को एशिया का लार्जेस्ट कैटल फीड प्लांट बोला जाता है, वो कपड़वंज से नज़दीक 70 किलोमीटर फार अवे, आनंद से 70 किलोमीटर फार अवे कपड़वंज में एक प्लांट चालू किया जिसका नाम है AFP अमूल फीड प्लांट कापड़ी वाव, जिसकी एक दिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2400 मेट्रिक टन है। अमूल डेयरी आज की तारीख में आनंद केरा और महिसागर डिस्ट्रिक्ट में 3600 मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट धराती है। अमूल डेयरी ने डिफरेंट सेगमेंट वाइज कैटल फीड का प्रोडक्शन किया, जैसे कि आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि हमारे घर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत के 6 या 8 महीने सिर्फ बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको फीड देते हैं। उसी तरह अमूल डेयरी ने अलग अलग टाइप के फीड चालू किए, जैसे कि शुरुआत में कोई भी बच्चा जन्म ले तो शुरुआत के 2 महीने उसको माँ का दूध दो, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको काफ फीड देना चालू करो, जब काफ फीड दे तो कब तक देना है आपको बताता हूँ कि जैसे जीवन मिल्क रिप्लेसर पाउडर है, ये जीवन मिल्क रिप्लेसर पाउडर शुरुआत में बच्चे को देना है कब तक, 2 महीने का हो तब तक उसको जीवन मिल्क रिप्लेसर पाउडर दो, उसके बाद जब बच्चा अपनी हाइट गेन कर लेता है और उसको कॉन्सेंट्रेट फीड देना चालू करे तो अमूल डेयरी ने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ काफ के लिए वरदान काफ स्टार्टर चालू किया है। ये काफ स्टार्टर कब तक देना है, जब तक AI वर्कर या वेटनरी डॉक्टर पर रेक्टली एग्जामिनेशन करके ये फाइनल ना कर दे कि हाँ ये एनिमल प्रेग्नेंट हुआ है, तब तक हम लोगों को ये काफ फीड देना है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ऐसा एक थंब रूल है कि अगर आज आपके घर में कोई बछड़ी का जन्म हुआ है और उस बछड़ी की उम्र तकरीबन 24 महीना हुई है तब तक उसका दूध डेयरी में आना चालू हो जाना चाहिए। और इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि शुरुआत में अगर आप बेज अच्छा करते हो, बेज मतलब क्या है कि अगर शुरुआत में आप बछड़ी को 2 महीने जीवन मिल्क रिप्लेसर पाउडर दो और उसके बाद इसको काप स्टार्टर देते हो तो ये प्लस पॉइंट है कि आपके एनिमल का बेज अच्छा होने की वजह से एनिमल प्रेग्नेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर 11वें महीने तक अगर आप वरदान काप स्टार्टर देते हो तो प्लस पॉइंट होगा कि वही बछड़ी 200 से 250 किलो वजन भी गेन कर लेगी, उसका यूट्रस का ग्रोथ भी अच्छा होगा और वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। जब प्रेग्नेंट होती है तब डेयरी ने अलग से प्रेग्नेंट एनिमल के लिए प्रेग्नेंसी फीड चालू किया है जिसका नाम है न्यूट्री गार्ड। ये प्रेग्नेंट एनिमल फीड 2 अलग अलग ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। पहला कौन सी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन जैसे कि बछड़ी बड़ी हुई प्रेग्नेंट हुई तब शुरुआत में 3 महीना जब कंफर्म हो जाए कि प्रेग्नेंट हो गई है तो 3 महीने से उसको न्यूट्री गार्ड देना चालू कीजिए। दूसरी कंडीशन अगर कोई गाय का काविंग हुआ है, काविंग होने के बाद जब वो फिर से प्रेग्नेंट होती है तो लास्ट के 2 महीने होते हैं तब वो हमको ड्राई कर देते हैं तो ड्राई के टाइम ये न्यूट्री गार्ड देना है। गाय हो तो दिन का 1.5 से 2 kg, भैंस हो तो 2 से 2.5 kg। उसके बाद लास्ट के 20 दिन बाकी हो, जब आपको लगे कि अब आपका एनिमल नियर टू काविंग है तो इसी फीड के साथ डेयरी ने एक एनोमिन पाउडर बनाया हुआ है, एनायनिक सॉल्ट है। ये पाउच 50 ग्राम का पाउच है, 1 किलो का पैकिंग है। मार्केट में काफी सारी कंपनियों के अलग अलग टाइप के पैकिंग मटेरियल मिलते हैं, हमने एनायनिक सॉल्ट या मिनरल पाउडर इसलिए बनाया है कि अगर लास्ट के 20 दिन बाकी हो और अगर एनोमिन पाउडर विथ न्यूट्री गार्ड अगर आप देते हो तो आप ही के एनिमल का काविंग इजीली हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मली निकल जाएगी, एनिमल का प्रोलेप्स का प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगा और प्रोलेप्स क्योर होगा। और प्लस पॉइंट ये होगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ये प्रॉब्लम से आप क्योर हो सकते हैं। जब काविंग हो जाए तो आज की तारीख में
पूरे भारत देश के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जितने भी एनिमल है जब काविंग होता है तो सब लोग क्या करते हैं, गुड़, काली जीरी, अजवाइन, मेथी, वो सब लाके एनिमल को खिलाते हैं और एक एनिमल के पीछे तकरीबन 1000 से 2000 रुपया खर्चा करते हैं। अगर वो ना खिलाए तो उसकी जगह डेयरी ने एक न्यूट्री एनर्जी प्रोडक्ट चालू की है। 5 kg का बैग है, 2 kg का बैग है, दो अलग अलग पैकिंग में अवेलेबल है। बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, मिथियोनिन, लाइसिन और लाइव स्कैंसर ऐड किया है। अगर ये न्यूट्री एनर्जी देते हो तो पहला प्लस पॉइंट, इकोनॉमिकली जो 2000 रुपए खर्चा कर रहे हो वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह सिर्फ ये 500, 600, 700 रुपए की एक बैग है, गोला दो 50 ग्राम की चम्मच अंदर डाली हुई है, 2 चम्मच सुबह, मतलब 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को देना है। तो वही बछड़ी, वही गाय जो दूध पे आने में तकरीबन 15-20 दिन लगाती है, वो 6ठे दिन पे दूध पे आ जाएगी। इसी कैटल फीड सप्लीमेंट के साथ डेयरी ने अलग अलग फीड चालू किए है। 1964 से तो BIS टाइप 2 चालू ही था जिसके अंदर 3% फैट और 20% प्रोटीन था। उसके बाद डेयरी ने न्यूट्री रिच चालू किया जो BIS टाइप 1 है जिसके अंदर 4% फैट और 22% प्रोटीन है। उस वो कौन से एनिमल को देना है, जो एनिमल पर टाइम 5 से 6 लीटर दूध दे रहे हैं तो उसको आप न्यूट्री रिच दे सकते हो। लेकिन अगर आपका एनिमल पर डे 10 से 15 लीटर दूध निकाल रहा है तो डेयरी ने कॉम्बिनेशन में एक अच्छी प्रोडक्ट निकाली है जिसमें से ये के है न्यूट्री पावर हाई फाई फीड मिक्सचर। बेसिकली ये मैश फॉर्म में है जिसके अंदर 4% फैट और 25% प्रोटीन है। इसके अंदर कपास की खली, अरहर की चुनी, पिसा हुआ मक्का, मूंगफली की खली, ये सारे चीजों को मिक्स करके एक प्रोटीन डाइट मैश फॉर्म में बनाया है। उसी फीड के साथ डेयरी ने गाय और भैंस के लिए बफेलो स्पेशल फीड बनाया है। इसके अंदर 7-8% फैट है, 22% प्रोटीन है। ये दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन में देना है, ये मिल्चिंग एनिमल के लिए। अमूल ने एक ब्रॉड वाइड रेंज में फीड सप्लीमेंट का रेंज भी बनाया है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फीड सप्लीमेंट है। बेसिकली मार्केट में काफी सारे मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, अमूल डेयरी ने भी एक मिनरल मिक्सचर चालू किया जिसका नाम है बोवी प्लस, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को। ये 1 kg, 5 kg और 25 kg 3 पैकिंग में अवेलेबल है। एनिमल को देने का डोज है 100 ग्राम पर डे। मिनरल अगर देते हो तो एनिमल में काफी सारी जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि खाना बंद कर देना, दूध कम आना, फैट कम आना, रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी, इनडाइजेशन के प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम क्योर हो सकते हैं। साथ ही में एशिया का सबसे अच्छा कैल्शियम न्यूट्री केल, ईच 100 ml कंटेन 5000 mg कैल्शियम, फॉस्फोरस 2500 mg, मैग्नेशियम और साथ में जीवंती शतावरी हर्ब से कैल्शियम 1 लीटर और 5 लीटर 2 पैकिंग में अवेलेबल है। मार्केट में काफी सारे कैल्शियम है लेकिन अपने कैल्शियम में इतना प्लस पॉइंट है कि जब भी आप गाय का दूध निकालते हो तो 1 लीटर दूध गाय में से निकलता है तब 3 ग्राम कैल्शियम और 2 ग्राम फॉस्फोरस निकल जाता है उसकी बॉडी में से। जब भी कोई गाय दूध पे आती है तो वो दूध 2-3 महीना देती है, लेकिन अगर आप न्यूट्रिकल कैल्शियम 100 ml पर डे का डोज है, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, अगर वही न्यूट्रिकल कैल्शियम आप एनिमल को हर रोज देते हो तो आप 4 से 5 महीने तक कैल्शियम के साथ दूध ले सकते हो। साथ ही में डेयरी ने फर्टिबुश बोलस निकाली है, रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी वाली प्रोडक्ट है। जो गाय, जो भैंस हीट में ना रही हो या कंसीव ना रही हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, उसके लिए फर्टिबुश बोलस बनाई हुई है। 21 बोलस का डोज है, हर रोज एक एक बोलस देनी है। डेयरी ने अलग से प्रिवेंशन के लिए, मस्टाइटिस के लिए मास्प्रो नाम का एक प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। मास्प्रो 200 ग्राम का पाउच है, 50-50 ग्राम के ऐसे 20 पाउच इसके अंदर दिए गए हैं। मास्प्रो प्रोडक्ट अगर एनिमल को प्रिवेंशन के लिए देते हो तो मस्टाइटिस के काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्योर हो सकते हैं। लास्ट में हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित सिंह साहब ने अभी 31 अक्टूबर 2021 को एक अमूल इतनो वेटनरी प्रोडक्ट भी लॉन्च की है। इसके अंदर हमारे 7 अलग अलग SKUs है। अगर मस्टाइटिस का प्रॉब्लम है, और आप ज़्यादातर आप सब लोग जानते हो कि मस्टाइटिस के अंदर जब भी एनिमल को एंटीबायोटिक दिया जाता है तो एंटीबायोटिक रेसिडुअल इफेक्ट सीधा मिल्क में आता है, इसकी वजह अगर आप इतना वेटनरी मेडिसिन प्रोडक्ट देते हो तो प्लस पॉइंट क्या है, पहला एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सेकंड प्लस पॉइंट क्या है कि अगर एंटीबायोटिक की जगह आप ये देते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी कम कॉस्ट में मिलेगा। अमूल मस्टा मिक्स और एलो मिक्स, ये दो चीज़ अगर मस्टाइटिस का कोई भी प्रॉब्लम हो, थनेला का प्रॉब्लम बोला जाता है जैसे कि उसके अंदर जैसे कि थनेला में सूज गया है या छींटे आना चालू हुए या रेड मिल्क आ रहा है या वाटर मिल्क आ रहा है या दूध पानी जैसा हो गया है, उस टाइम ये मस्टा मिक्स का 60 ग्राम का पाउच है, 1 लीटर का ये बॉटल है। 250 ग्राम लिक्विड येलो मिक्स कटोरे में ले लेना, उसके अंदर 60 ग्राम मिक्स करोगे तो एक पेस्ट बन जाएगी, उसी पेस्ट को अडर को पूरे का पूरा लगा देना है। साथ ही में अगर अच्छा रिजल्ट देना हो तो येलो रिच ओरली पिलाना चालू करो, मतलब
ये दो प्रोडक्ट कंबाइनेशन में उसका जो पेस्ट बनेगा वो अडर पे लगाना है, और ये प्रोडक्ट है उसको ओरली पिलानी है अगर मस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है तो। दूसरी प्रोडक्ट है अमूल यूट्रो प्लस, गर्भाशय से मतलब यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यूट्रस के क्योर करने के लिए यूट्रो प्लस है। रूमेन प्रो, इनडाइजेशन, ऑफ पीड, ब्लोट, ये काफी सारी कंडीशन को क्योर करने के लिए रूमेन प्रो प्रोडक्ट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अडर प्लस, फैट, SNF या ये सब प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए डेयरी ने अडर प्लस प्रोडक्ट बनाई है। ये सारी अमूल की प्रोडक्ट के साथ अमूल डेयरी शॉर्ट टाइम में होम्योपैथिक रेंज में भी जा रही है, जिसके अंदर बॉडी गार्ड में काफी सारे एग्जोस पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि इतरडी कथीरे के प्रॉब्लम होते हैं उस टाइम बॉडी गार्ड स्प्रे हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ में आरओपी के केस के लिए हम लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई है, प्रोटोकेयर बनाया हुआ है प्रजीव वक्त के लिए, अगर डायरिया का प्रॉब्लम हो तो इटरनो क्योर बनाया है, और अगर लेट डाउन और मिल्क का प्रॉब्लम हो तो अमूल डेयरी ने ये अमूल इजी मिल्क बनाया है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी अमूल डेयरी ये CFF कंट्री में चालू कर रही है। आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एक बार अमूल डेयरी के सभी कैटल फीड पार्लर है या कोई भी कैटल फीड के आउटलेट पे आप जाके एक बार सभी जगह पे आप विजिट कीजिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्म चाहिए या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9727703370। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का जो इतनी अच्छी जानकारी दी है। किसान साथियों, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो आप अपने नज़दीकी किसी डीलर से खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।